हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर मयंक जैन और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो के थ्रू आपकी बीहाइव टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक के बारे में। द साउंड ऑफ म्यूज़िक में दो स्टोरीज़ हैं, दो बायोग्राफी हैं, जीवनी है रियल लोगों की जो असल में रहे हैं। ये कोई काल्पनिक कहानियाँ नहीं है बल्कि किसी के जीवन का जीवंत चित्रण दिया गया है। सबसे पहले इसमें कहानी जीवनी बताई गई है एवलिन ग्लेनी की। एवलिन ग्लेनी एक ऐसी लड़की थी जो कि स्कॉटलैंड से थी और जो 11 साल की उम्र से डेफ होना यानी उसको बहरेपन की शिकायत होनी, उसे सुनने में तकलीफ होना शुरू हो गया था। ठीक है, देखो यहाँ स्टार्टिंग यहाँ से होती है। रश आवर क्राउड्स जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 इयर्स वाज नर्वस यट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डोंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर्स fresh from a Scottish farm, but this aspiring musician faced. ये एक चित्रण कहा, ये जो जीवनी इसकी दी गई है इसमें स्टार्टिंग इस तरह से होती है कि एक पतली दुबली सी लड़की एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, अंडरग्राउंड ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे, और वो जो ट्रेन आती है, ट्रेन के आने की वाइब्रेशन उसको महसूस होती है। वो थोड़ी सी नर्वस है और वो 17 साल की है लेकिन 17 साल से कम की नज़र आती है उसके दुबले पतले पन के कारण। और ये उसका आज पहला दिन है प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में, जो है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो कि प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक है लंदन की, वहाँ उसका पहला दिन है आज। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी है और नर्वस भी है। एवलिन ग्लेनीज़ लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग वेन द 8 ईयर ओल्ड एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, सेज इजाबेल ग्लेनी। फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked back, says Evelyn. Look black, says Evelyn. अब इसमें बताया गया है कि वो कैसे उसको हियरिंग लॉस यानी उसको सुनने का जो शक्ति थी वो क्षीण होती गई। उसकी मदर बताती है जब वो 8 साल की थी तो तब वो पियानो बजाते बजाते जब उसको बुलाया जाता था तो वो रिएक्ट नहीं करती थी, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, उसकी जो है हियरिंग पावर वो कम होती जा रही थी। अच्छा, कुछ टाइम तो एवलिन ने अपने दोस्तों से अपने टीचर से स्कूल में छुपा के रखा, बचा के रखा इस बात को, लेकिन 11 साल की उम्र में आते आते उसके जो नंबर मार्क्स थे वो बहुत ही ख़राब आने लगे थे और उसके टीचर ने उसके पेरेंट्स को कहा कि इसको बच्चे को एक स्पेशल स्कूल में जो कि डेफ बच्चों के लिए, जो जिनको सुनने में दिक्कत है, तकलीफ़ है, जिनको सुनाई नहीं देता, उन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल है, वहाँ पर उसको एडमिट कराया जाए, उसका एडमिशन दिलाया जाए। और उस दौरान एवलिन कहती है कि सब कुछ ऐसा लग रहा था, सब कुछ जो है अंधेरा अंधेरा हो गया, सब कुछ काला हो गया, उसका जीवन अंधकार में हो गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ साइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले टू। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। शी बिगेन टू बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवलिन। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. The rest was sheer determination and hard work. अब कहते हैं कि एवलिन ने भले ही वो उसकी सुनने की शक्ति चली गई थी, वो बहरी हो गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक लड़की को देखा जो कि ज़ाइलोफोन, देखिए एक पिक्चर दी गई है यहाँ पे, ये ऐसे इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, तबला टाइप का, तबले से थोड़ा अलग होता है लेकिन ये बजाया जाता है ऐसे डंडियों से। तो उसको ये इंटरेस्टिंग लगा, वो डिसाइड करती है मैं इसको सीखूंगी। उसके टीचर्स ने, लोगों ने, सबने मना किया उसको, लेकिन उसके एक तबला वादक थे रॉन फोर्ब्स, उन्होंने उसका टैलेंट पहचाना, उन्होंने उसको ट्रेनिंग दी, उन्होंने कहा कि म्यूज़िक को सुन के ही नहीं तुम बजा सकते बल्कि उसको महसूस करके भी उसका प्रयोग कर सकते हो। तो वो कहता है, तो धीरे धीरे उसने प्रैक्टिस करी एवलिन ने, और वो अपने वेस्ट के अपर हिस्से से, कमर के ऊपरी जो उसका हिस्सा था उससे वो क्या फील कर सकती थी, हायर ड्रम, ड्रम की हायर बीट को महसूस कर सकती थी, ऊंची ऊंची बीट को, और उसकी जो निचला हिस्सा था कमर का उससे वो
ड्रम के लोअर जो उसके जो बीट होते हैं, लोअर रिदम जो होती है, उसको महसूस कर सकती थी। और धीरे धीरे उसने ये खोजा एवलिन ने कि वह कुछ नोट्स, म्यूज़िक के जो नोट्स होते हैं, वो अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो उसकी शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं, उनसे वो महसूस कर सकती है। वो कहती है कि बस मुझे अपना माइंड और बॉडी को खुला रखना था साउंड्स और वाइब्रेशन के लिए, और बाकी जो है सब कुछ उसकी डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क का नतीजा था। She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances, and at the end of her three-year course, she had captured most of the top awards. अच्छा, उसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसने यूनाइटेड किंगडम का पूरे टूर किया एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, और जब वो 16 साल की थी तो उसने निश्चय किया कि मैं अब म्यूज़िक में ही अपना करियर बनाऊंगी, म्यूज़िक को ही अपने जीवन जीने का जीवन बनाऊंगी, आगे म्यूज़िक ही उसकी लाइफ होगा। तो वो उसने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक का, और उसने उसकी उस एकेडमी की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा स्कोर किया। मतलब उस एकेडमी की हिस्ट्री में जितने भी ऑडिशन हुए थे, किसी भी ऑडिशन देने वाले कैंडिडेट ने इतना ज़्यादा नंबर प्राप्त नहीं किए थे जितने कि एवलिन ने किए थे। उसके बाद वो ऑर्केस्ट्रा से सोलो परफॉर्मेंस भी करने लगी। ठीक है, सोलो परफॉर्मेंस कहते हैं एकल परफॉर्मेंस का, वो अकेले परफॉर्म करने लगी बिना ऑर्केस्ट्रा के। एट द एंड ऑफ द थ्री इयर्स कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और 3 साल के कोर्स के बाद उसने ज़्यादातर जितने भी बड़े बड़े अवार्ड थे वो सब उसने हासिल कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सोट आफ्टर मल्टीप्लिकेशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल। वो कहती है इसमें कोई हीरोइक अचीवमेंट नहीं है, कि आप मेहनत करते हैं और आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपको ज़रूर मिलेगा, वो प्राप्त होगा आपको, जो आपका निश्चय, जो आपका गोल है। ठीक है, और उसने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे मास्टरी हासिल करी बजाने में उनको। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। मैन विद ब्यूसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिटरेट। माय स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। वो ये एक्चुअल में एक इंटरव्यू हो रहा था उसके साथ, तो उसका ही जो जिसने इंटरव्यू लिया था उसने ये पूरा का पूरा ये उसका इंटरव्यू से ये लेसन लिया गया आपका। तो वो कहता है इंटरव्यू लेने वाला कि 2 घंटे तक हमारा डिस्कशन चला, पर उसने एक शब्द भी मेरा मिस नहीं किया, और वो सिर्फ मेरे लिप्स को नहीं पढ़ रही थी, मेरे होठों को भी पढ़ नहीं रही थी या देख रही थी, बल्कि वो मेरा पूरा फेस देख रही थी, स्पेशली मेरी आँखें वगैरह, उससे वो मेरी बातों को समझ पा रही थी। वो कहते हैं वो बिल्कुल फ्लॉलेसली विदाउट कोई त्रुटिहीन तरीके से, विदाउट मतलब बिना किसी त्रुटि के वो बिल्कुल फ्लॉलेसली बोल रही थी। और स्कॉटिश, क्योंकि वो स्कॉटलैंड से थी, तो स्कॉटिश उसका थोड़ा सा एक्सेंट था, लिटरेट उसका मतलब बोलने का जो तरीका था वो स्कॉटलैंड से मैच करता था, थोड़ा स्कॉटिश वे में वो बोलती थी। वो कहती है कि मेरी स्पीच, मेरा बोलना इसलिए क्लियर है, मेरी भाषा इसलिए साफ है, क्योंकि मैं 11 साल की उम्र तक सुन सकती थी। लेकिन ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भले ही वो 11 साल की उम्र तक सुन सकती थी, लेकिन उसने फ्रेंच भाषा और जैपनीज भाषा को कैसे सीखा, कैसे उसने मास्टरी करी उसने। एज़ फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन, इट पोर्स इट थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। वैन शी प्लेज द ज़ाइलोफोन, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर्स। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, शी कैन फील द रेजोनेंसेज flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. अब वो बताती है उसको कैसे म्यूज़िक समझ में आता था। वो कहते हैं ये उसके हर एक बॉडी पार्ट से, शरीर के हर एक अंग से वो म्यूज़िक को समझती थी, चाहे वो उसकी स्किन में, उसकी त्वचा में होने वाली छोटी छोटी टिंगलिंग्स थे, टिंगल्स थे, कंपन था। वो कहते हैं मेरी चीक बोन्स, मेरे चेहरे के जो चीक बोन्स थे उसकी उससे और उसके बालों तक से वो कहती थी मैं म्यूज़िक को महसूस कर सकती थी।
वो कहते जब वो ज़ाइलोफोन बजाती थी तो वो महसूस करती थी कि साउंड जो है वो उसकी स्टिक से होते हुए उसकी उंगलियों में महसूस हो रहा था, उसके फिंगर टिप्स पे जो उंगलियों के पोरवे होते हैं उसमें उसको महसूस हो रहा था। और जब वो ड्रम के थोड़ा सा आगे को झुक जाती थी तो उसको उसका पूरा रेजोनेंस फ्लो ऐसा लगता था, पूरा उसका जो रेजोनेंस है उसका जो साउंड इकोइंग साउंड है वो महसूस करती थी पूरी बॉडी के थ्रू। और वो जब एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे ये सब करती थी तो वो नंगे पैर वो बजाती थी ताकि वो अपने नंगे पैरों से नंगे पंजों से उस सब कुछ महसूस कर सारी वाइब्रेशन उसकी बॉडी में जा सके ताकि उसको वो म्यूज़िक समझ में आए, वो नोट समझ में आए जो वो बजा रही है। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस इन 1991 शी रिप्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल हारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये उसको अवार्ड मिलता है 1991 में रॉयल फिल हारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड ऑफ द ईयर मिलता है उसको। और सेज मास्टर प्रिकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्हाट वी फील हियर शी फील्स फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसिस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। तो एक बहुत ही प्रतिष्ठित वो थे, बहुत ही मास्टर थे तबला वादक ड्रम वादक ड्रम बजाने वाले जेम्स ब्लेड्स। वो कहते हैं भले भगवान ने उनके सुनने की शक्ति छीन ली लेकिन उनको वो दिया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको पावर दी, शक्ति दी जिससे वो जो हम सुन सकते थे वो उसको महसूस कर सकती थी और बहुत ज़्यादा गहराई तक महसूस कर सकती थी जो कि हम नहीं कर सकते थे। और इसी वजह से वो म्यूज़िक को संगीत को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकती थी। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक आई हैव जस्ट गोट टू वर्क ऑफन हार्डन देन क्लासिकल म्यूजिशियन बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लास सिज फॉर यंग म्यूजिशियंस एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन दे सी दैट देर इज नो वेयर दैट दे कैनॉट गो। वो अपने रेगुलर कॉन्सर्ट्स के साथ रेगुलर परफॉर्मेंस के साथ साथ जो है कुछ फ्री कॉन्सर्ट भी करती थी जो प्रिजन में जेलों में जो कैदी होते थे उनके लिए और हॉस्पिटल में जो मरीज होते थे उनके लिए। और वो एक जो नए नए म्यूजिशियन होते थे उनके लिए उनको भी बहुत ज़्यादा वो प्रायोरिटी देती थी, क्लास देती थी, उनको सिखाती थी। और एन रिचलिन जो एक बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी बहरे बच्चों के लिए, बधिर बच्चों के लिए, वो कहती है वो एक चमकती हुई इंस्पिरेशन है उन बधिर बच्चों के लिए जिनको लगता है कि वो अब कहीं नहीं जा सकते, उनके लिए कोई दुनिया में सब कुछ ख़त्म है, ऐसे बच्चों के लिए वो एक इंस्पिरेशन थी। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। शी हैज़ ब्रॉट प्रिकॉशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। उसने उस उम्र में वो सब अचीव कर लिया था जो उससे दुगनी उम्र के लोग भी अचीव नहीं कर पाते थे। और वो बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन बनी जो भी हैंडीकैप थे, स्पेशली जो विकलांग या दिव्यांग थे, और उसको देखकर लोग कहते थे कि अगर यह कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। और इससे और इन सबसे अलग उसने लाखों लाखों लोगों को जो है बहुत ही खुशी दी है अपने म्यूज़िक के द्वारा। तो इस तरह से ये आपका इस लेसन द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पहला पार्ट ख़त्म होता है। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में करेंगे और इसके वर्ड मीनिंग्स को भी कॉपी में करेंगे और इन सबको याद भी करेंगे। ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।